हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है एंड काफी हाई हाइप टॉपिक है। उस चीज को लेके मार्केट के अंदर हाइप काफी ज्यादा हाइप बना हुआ है एंड मैंने उसकी बैक टेस्टिंग करी तो सही में उसके जो रिजल्ट थे वो काफी शॉकिंग थे। एंड फिर मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि हाँ, ये सामने वाले का जो माइंड सेट है वो चेंज कर सकती है ट्रेडिंग को लेकर। तो वो चीज़ मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ कि इस स्ट्रैटेजी पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करी जाए। एंड साथ ही मैं आपको बता दूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑटोमेशन ट्रेडिंग इस स्ट्रैटेजी पे कैसे करी जाए, आपको हजारों लाखों रुपए लेने के बाद भी ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होती है, आपको बहुत ही रेयर लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो के जरिए इजिली बता दूंगा। पर ये वीडियो बनने वाली है काफ़ी लंबी, क्योंकि मैं पूरी डेप्थ में बताऊंगा। एंड आपको अगर इस वीडियो को मतलब इस चीज़ पे काम करना तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो आता हूँ मैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो को देखने के बाद आप तीन वीडियो के लिंक दूंगा, इन तीनों वीडियो को आपको देखना है। फर्स्ट पहले मैं क्लियर कर दूं, मैंने एक वीडियो डाली थी 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये मेरा चैनल है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल होती थी उसके अंदर जो हाई होता था 5 मिनट का, उसके ओपन होने पर हमारा ऑर्डर लगता था या हमें सिग्नल मिलता था उस कैंडल के ओपन होने पे। तो अब क्या है कि हमने इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया ब्रेकआउट पे, ओपन से इसका कोई मैटर नहीं है। और उसी स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताऊंगा। अब आता हूं मैं उन तीन चैनल के नाम लेकर, और इन तीनों चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अगर इन्हें वॉच कर लेते हो इनकी वीडियो को तो आपको बिल्कुल ही मतलब 90% क्लियर हो जाएगा ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। पहले जो यूट्यूब चैनल है आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ये कोई स्पीकर है जो एक इवेंट के अंदर जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे हैं, और इन्होंने टाइटल जो दिया अपनी वीडियो को वो आप देख सकते हो, फर्स्ट 15 मिनट हाई लो ब्रेकआउट। एंड इस पे करीबन 1.5 लाख व्यू आ चुके हैं। एंड आप इस वीडियो को देख लेना, बड़ी डिटेल में इन्होंने बताया कि स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। दूसरी पे चलते हैं, तो ये पैसे का पैसा तो बनेगा एक चैनल है, इन लोगों का भी लिंक मैं इस वीडियो का नीचे दे दूंगा। इन्होंने सेम स्ट्रैटेजी की बात करी है, बस टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हो। एंड करीबन 9,000 व्यू आए हैं इनके इस वीडियो पे। एंड इस टॉपिक पे पहले भी एक ये वीडियो डाल चुके हैं, उस पर काफी ज्यादा व्यू आए हुए हैं। तो आप इनकी वीडियो को देख लेना, हिंदी में वीडियो डाल रखी है, काफी क्लियर कर रखा है कि इस स्ट्रैटेजी पे वर्क कैसे होता है। एक वीडियो ये है, ये इंग्लिश में वीडियो है, इसका टाइटल आप देख सकते हैं, हाउ टू ट्रेड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो इन्होंने पूरी वीडियो इंग्लिश में बना रखी है, काफी सारे व्यू आए हुए हैं, करीबन 20,000 व्यू आए हुए हैं इनकी इस वीडियो पे। एंड इन्होंने भी काफी डेप्थ में बता रखा है ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है एंड आप क्या क्या कर सकते हो। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, मैं बता दूं आपको जो मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अंदर थोड़े से फिल्टर और लगा दो अपने माइंड से, तो आप इससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो एंड आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा मार्केट को लेकर। पर कोई भी स्ट्रैटेजी वो लाइफ टाइम तक वर्क नहीं करती, ये एक रियलिटी है। तो हो सकता है कि मैंने अभी बैक टेस्टिंग करी है, तो मेरे को जो कुछ दिनों का बैक टेस्टिंग में डाटा मिला तो मुझे लगा कि हाँ, अभी काफी अच्छे चल रही है, हो सकता है पहले ना चल रही हो या आने वाले टाइम में ना चले, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आप अभी बैक टेस्टिंग कर लेना, जब भी आप काम करने चाहते हो तो एक बार बैक टेस्टिंग कर लेना। एंड बैक टेस्टिंग में जो रिजल्ट आएंगे वो ही रियलिटी में रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी रिप्रिंट होने वाला कुछ भी नहीं है। तो हम चलते हैं अपने, मैं इसको हटा देता हूं एंड अब मैं चलता हूं इस स्ट्रैटेजी पे काम कैसे करना है। तो मैं ये ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे चले गया और इस स्ट्रैटेजी पे पहले ही मैं इंडिकेटर बना चुका हूं। अगर आपको इस इंडिकेटर की एक्सेस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना जो ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम होता है, जैसे मेरा यूजर नेम ये है, आपको स्क्रीनशॉट भेजनी होगी। एंड जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे मैं आपको इस इंडिकेटर की एक्सेस दे दूंगा, आप फिर उसके बाद इसे ऑटोमेशन ट्रेडिंग में लगा के वर्क कर सकते हो। और अभी मैं लाइव डेमो भी दिखा दूंगा किस तरीके से वर्क करता है। तो जो स्ट्रैटेजी है, जैसे आपको इंडिकेटर की एक्सेस मिल जाएगी, आपको करना क्या है, आपको इंडिकेटर पैनल पे जाना है। इंडिकेटर पैनल पे जैसे क्लिक करोगे ये टैब खुलेगी, या इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको वो इंडिकेटर दिखेंगे जिनकी आपको एक्सेस दे रखी है। तो हो सकता है आपको किसी इंडिकेटर की एक्सेस ना मिली हो, मेरे पास काफी सारे इंडिकेटर की एक्सेस हैं। तो यहां पर जो मैं इंडिकेटर की एक्सेस दूंगा उसका नाम है ब्रेकआउट कैंडल विथ अलर्ट्स, ये है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ये आपके चार्ट पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इसके अंदर एक बैकग्राउंड आ रहा है
रेड एंड ब्लैक कलर का, आप अभी इसको हाइट कर देना क्योंकि ये एक लॉजिक पे मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, अभी ये लॉजिक पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है ये बैकग्राउंड आपको अभी पूरा तरीके से कंफर्म ना करे क्या कहना चाह रहा है। वैसे ये ट्रेंड बताएगा, ग्रीन में ये अप ट्रेंड में मार्केट है एंड रेड में डाउन ट्रेंड में मार्केट है, यही बताएगा। इस लॉजिक पे मैं इस बैकग्राउंड को मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो आपको अगर इस बैकग्राउंड को हाइट करना हो तो सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे एंड इस बैकग्राउंड के जो चेक मार्क को क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा। अब उसके बाद हर डे, ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो मार्केट ओपन होने पे आपको चार लाइन दिखेगी, तो ये अभी हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखी है। आपको पता है 15 मिनट में क्यों लगा रखी है? वो क्योंकि इन भाई साहब ने बोला था कि 15 मिनट में इन्होंने काफी अच्छी टेस्टिंग दिखाई है और काफी अच्छा वर्क कर रही है, फिर मैंने भी चेक करा तो सही वर्क कर रही है, तो 15 मिनट इनके कहने पे मैंने इस स्ट्रैटेजी को ले लिया है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में लगा सकते हो, इंडिकेटर हमने जो बनाया वो आप किसी भी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जिसमें भी लगाओगे उसमें ही वर्क करेगा। तो यहाँ चार लाइन आती है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो ग्रीन लाइन है वो काम करती है कि आपकी जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई क्या है उसको कैलकुलेट करती है, तो 15 मिनट का हाई ये था। जो रेड लाइन है ये आपको बताती है कि आपकी जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो क्या है, ये दोनों बस आपको ये बताती है। एंड जो ऊपर की ऑरेंज कैंडल है और नीचे की ऑरेंज कैंडल है ये क्या बताती है? ये आपको बताती है प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है जिससे कि आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सके। एंड इन फ्यूचर आप मुझे सजेस्ट कर देना जो भी आप फिल्टर करते हो इस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा एक्यूरेसी निकालने के लिए क्या क्या करा जा सकता है। तो ये चीज हो गई, तो जैसे ही आप देखोगे मैं क्लियर कर देता हूं, तो इस स्ट्रैटेजी का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर भाई अपनी फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करती है तो आपको जो ट्रेड लेनी है वो बाय साइड की लेनी है, अगर ये अपने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेकआउट करती है तो आपको जो ट्रेड लेनी है सेल साइड की लेनी है। तो अभी हम इस स्ट्रैटेजी को निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में चेक भी करेंगे एंड आप अपने पास भी चेक कर लेना कि रिजल्ट क्या दे रही है। तो जो हमारा बॉट है वो काम कैसे करेगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, हमारा एक बॉट है जो ऑटो क्रोम एक्सटेंशन पे बना हुआ ये बॉट है एंड मैंने काफी वीडियो डाल रखी है। ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट बॉट है और बहुत ही यूनिक बॉट है जिससे आप इजिली काम कर सकते हो, अभी जिरोधा पे काम कर सकते हो, इन फ्यूचर आगे बहुत सारे एक्सचेंज जुड़ जाएंगे, तो आप इस स्ट्रैटेजी के साथ कैसे जिरोधा पे काम करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो ये तो क्लियर हो गया ये ट्रेड कैसे लेनी है हमें कि भाई जैसे ही ये फर्स्ट अपनी कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करे तो बाय हो जाए और लो को ब्रेकआउट करे तो सेल हो जाए। ठीक है जी, आप चाहो तो ऊपर वाली जो हाई है उसको एग्जिट पोजीशन भी बना सकते हो और लो है जो प्रीवियस डे का इसे एग्जिट पोजीशन भी बना सकते हो, इनको भी आप कुछ भी बना सकते हो जब आप ऑटोमेशन से ट्रेडिंग कर रहे हो, बट अभी के लिए हम इसे कवर नहीं कर रहे, हमने तो एज अ रेफरेंस ये डाल दिया कि प्रीवियस डे का हमें हाई लो भी पता चल जाए इस स्ट्रैटेजी के साथ। तो दो लाइन डाल दी है मैंने ऑरेंज में, आप चाहो तो इस स्टाइल में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी इस ड्रॉइंग को रिमूव कर देता हूँ। अब हम निफ्टी 50 के स्टॉक में चेक करेंगे ये काम कैसे कर रही है, तो हम गए अपनी वॉच लिस्ट में, मैंने पहले ही 50 निफ्टी 50 के स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, तो ये हम आ गए। मैंने जैसे बताया अभी बैकग्राउंड का भी इसमें एक रोल होगा वो हमने हाइड कर दिया है क्योंकि पहले मैं उस पर काम कर लूं, देन आप बैकग्राउंड को लगाओगे तो वो भी आपको एज अ रेफरेंस कुछ बताया करेगा एंड उसकी वीडियो इन फ्यूचर में अपडेट कर दूंगा और उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैं यस बैंक पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिक इनने ये बताया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज की ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग जैसे इनने हाई को ब्रेकआउट करा, ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, आप कोई भी कैंडल लगा सकते हो अभी 15 मिनट की, तो जैसे इनने हाई को ब्रेकआउट करा ये फर्स्ट सेकंड कैंडल में इनने ब्रेकआउट कर दिया था, आप देख सकते हो, तो यहां से तो हमें लॉन्ग करनी चाहिए थी। अगर हम लॉन्ग करते तो हमारा ये नीचे वाला स्टॉप लॉस होता उस वीडियो के अकॉर्डिंग, जो वीडियो मैंने बताई है लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता, हमें लॉस हो जाता अगर आज हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते निफ्टी 50 के जो सबसे कम प्राइस का स्टॉक है यस बैंक, उस पर मैंने ये लगा के देखी। अब मैं आगे आ जाता हूँ नीचे, तो ये कौन सा आप नाम देख लो, मेरा इंडियन मार्केट में काम नहीं करता इसलिए ढंग से मेरे को नाम भी नहीं पता, ये NTPC स्टॉक है एंड इसके अकॉर्डिंग आज हम इस पे काम करते हैं तो फिर वही 15 मिनट की स्ट्रैटेजी, इनने थर्ड कैंडल में अपना ब्रेकआउट अपसाइड में तोड़ा तो यहां से हम लॉन्ग ट्रेड ऑटोमेटिक हमारी लग जाती एंड फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इट्स मीन कि यहां पर भी इनने वर्क नहीं करा, तो ये वर्क नहीं कर रही, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ फिल्टर कर सकते हो कि ये ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में वर्क करे, वो आप अपना माइंड लगाइए कि वो कैसे करेगा, मैं तो खाली आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। तो अब आ जाते हैं हम तीसरे स्टॉक में, इसी तरीके से हम काफी स्टॉक में वो करेंगे।
तो तीसरे स्टॉक में इन्हें जो 15 मिनट का हाई लो बनाया है उसके अंदर अगर देखें तो यहां पर इन्हें ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, दोबारा रिवर्स हो गई और अभी उसी प्राइस पे जहां पर हमने ट्रेड ली थी। इट्स मीन कि यहां वर्क कर रही है, यहां लॉस नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं हम चौथे स्टॉक पे, ये आ गया ONGC। तो जैसे मैं डाउन एरो को क्लिक करे जा रहा हूं ऑटोमेटिक ये होते जा रहा है, मतलब चार्ट अपने आप चेंज हो रहा है। यहां आप नाम भी देख सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया। तो यहां पर इस स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छा वर्क करा है ONGC में। अगर आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल देखोगे तो ये रहा इसका हाई, ये रहा इसका लो एंड सेकंड कैंडल में इनने अपना हाई को तोड़ा एंड फिर ये बढ़ते गया, हल्का सा रिवर्स मारा और ये आप देखोगे तो प्रीवियस डे के हाई को भी तोड़ दिया इनने। अगर हमारी वो एक डॉट डॉट वाली आप ऑरेंज कलर की देख रहे हो तो प्रीवियस डे के हाई को भी तोड़ दिया, देन रिवर्स मार के अभी भी काफी ऊपर पे चल रहा है। तो यहां पर भी काफी अच्छा वर्क करा। एंड अगर प्रीवियस डे का भी देखना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी की एक्सेस लेकर आप प्रीवियस डे चेक कर सकते हो। मैंने चेक करा प्रीवियस डे में जो जो बैक टेस्टिंग जिसे कहते हैं काफी अच्छा वर्क कर रही है, पर मैं अभी बैक टेस्टिंग को ना दिखाते हुए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी आज का दिन दिखा रहा हूं लाइव। एंड आप जैसे जानते हो कि मार्केट भी अभी बंद होने वाली है तो आज का दिन। अब नीचे करते हैं, IOC पे आ गए हम। IOC के अंदर बात करें तो इनने यहां भी अच्छे रिजल्ट दिए। यहां पर इनने फर्स्ट नहीं, यहां पर गलत दिए, ये हाई था यहां लो था एंड सबसे पहले इनने लो को ब्रेकआउट करा, यहां आपकी ट्रेड हो जाती है ऑटोमेटिक शॉर्ट एंड उसके बाद ये स्टॉप लॉस सेट करा देता अगर आपने स्टॉप लॉस हाई पे लगा रखा होता। तो यहां वर्क नहीं करा। अब इस पे क्लिक करते हैं तो यहां आए, यहां पर अगर देखें तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ यहां पर भी इनने यही करा। अगर देखें तो ये इसका हाई था, ये इसका लो था, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये इसका लो था एंड इनने पहले तो अपने हाई अप को ब्रेकआउट करा तो यहां हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाती, देन ये थोड़ा सा ऊपर गया वापस रिवर्स मार दिया। तो काफी जगह वापस रिवर्स मार दे रहा है, इसको फिल्टर करने के लिए कुछ ना कुछ इन फ्यूचर मैं करूंगा, बाकी आप अपने तरफ से भी करिए। तो यहां पर देख सकते हैं टाटा मोटर के अंदर इनने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। ये इसका हाई था, ये इसका लो था, सबसे पहले इनने हाई को ब्रेकआउट करा एंड काफी ऊपर तक गई एंड वापस नीचे आई एंड अभी भी ऊपर है। तो मतलब ये अभी तक इनने स्टॉप लॉस हिट नहीं करा एंड अपने हाई से ऊपर जिस प्राइस पे आपने लिया था उससे ऊपर चल रही है। एंड इधर चलते हैं हिंडाल्को समथिंग शेयर है, इधर देखेंगे तो यहां भी काफी अच्छा वर्क करा है इस 15 मिनट में। आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर लेना, मैं ओनली फॉर 15 मिनट दिखा रहा हूं। हो सकता है तो आप थोड़ा सा इसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट करते हैं तो मुझे मेरे साथ सजेस्ट कर देना, हो सकता है मैं इंडिकेटर को वो भी उस वे में चेंज कर दूं। तो यहां देखेंगे सेकंड कैंडल में इनने हाई को ब्रेकआउट कर दिया था एंड काफी ऊपर गई एंड उसके बाद प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट कर दिया एंड काफी ऊपर चल रही है। तो अभी तक हमने ये देखा जब भी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट करती है, आज की 15 मिनट के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद जब प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट काफी ऊपर तक जाती है, मतलब एक ही साइड चलती है। क्योंकि ये दूसरी बार किसी दूसरे स्टॉक में देख रहा हूं मैं, आई थिंक मतलब इसी में अभी चेक कर रहे थे जब हमने देखा था। अच्छा यहां देखिए, इधर देखेंगे तो इनने एक ये इसका हाई था, ये इसका लो था, सबसे पहले इनने थर्ड कैंडल में अपने हाई को ब्रेकआउट करा एंड मार्केट में यहां आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती। जैसे ही यहां ब्रेकआउट होगा वैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड देन आपको अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहे होते हैं अगर इसे देखें तो। कई फिर जगह काफी लॉस में भी चल रहे, काफी जगह प्रॉफिट में भी चल रहे। मैंने वही बोला आपको काम करना है, मैं तो इस मार्केट में काम करता नहीं, तो आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है। अच्छा इधर का देखें तो ये इसका हाई था, ग्रीन देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से ये लिया हूं एंड ये इसका लो था एंड सबसे पहले इनने लो को ब्रेकआउट करा यहां पर और 15 मिनट की कैंडल में, उसके बाद ये अभी अपने लो से ऊपर ही चल रहा है, मतलब हमें इसमें थोड़ा सा लॉस ही हो रहा है, लॉस हो रहा है पर ये है। अभी अंबुजा सीमेंट पे इधर अगर देखे तो इनने पहले अपना हाई ये था आज का और लो ये था, अपने लो को ही इनने ब्रेकआउट करा चौथी कैंडल में एंड उसके बाद ये काफी नीचे तक गया एंड फिर वापस रिवर्स की तरफ है। अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा है पर काफी नीचे तक गया, तो इसके अंदर टारगेट वगैरह कैसे लेने ये भी समझना पड़ेगा जहां तक मुझे अभी समझ आ रहा है। एंड फिर आ जाते हैं हम इसके अंदर, इंडिया बुल हाउस समथिंग लिखा हुआ है एंड इसके अंदर इनने ये इसका आज का हाई था, ये इसका लो था एंड इनने फर्स्ट सेकंड कैंडल में अपने हाई को ब्रेकआउट करा एंड उसके बाद इनने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट करा। ये देखिए जैसे ये आज के हाई को ब्रेकआउट करता है, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जा रहा है। ये चीज तो मेरे को कंफर्म पता चल गई कि मतलब थोड़ा आइडिया लग गया कि ये चीज जब हो रही है तो इस चीज के ज्यादा चांस है, समझ रहे हो ना, चांस देखे जाते हैं। तो इस चीज में ये पता चल रहा है कि प्रीवियस डे के हाई को भी तोड़ता है तो एक ही साइड जा रही है मार्केट। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे अगर आप टेक्निकल जानते हैं। अब आगे हम इस पे, ये कोल इंडिया समथिंग नाम है इस स्टॉक का, मैं जैसे बता रहा हूँ मुझे इंडियन स्टॉक की पता नॉलेज नहीं है तो मैं वैसे ही, आप नाम देख लेना अगर मैं कुछ गलत नाम ले लूँ क्योंकि मेरे को इनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब इतनी नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज है। तो
तो आप यहां देखोगे ये हाई है ये लो है, इनने आज फोर्थ कैंडल पे अपने हाई को ब्रेकआउट करा एंड उसके बाद इनने प्रीवियस डे के लो को ब्रेकआउट किया, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई इसका ये था एंड प्रीवियस डे का लो ये था, तो लो को भी ब्रेकआउट कर दिया कल के, मतलब कल के जो लो था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर ही चल रहा है, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट दे ही रहा है। एंड प्रॉफिट कितना दे रहा है इसको अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो आप अगर चाहते हो तो ये एक इंडिकेटर है प्राइस रेंज, इस पे यहां से हमने अगर हम ट्रेड लेते हैं एंड यहां पर देखें तो 2% का प्रॉफिट दे रहा है, सॉरी 2% का कह रहा हूं, 0.09% का प्रॉफिट दे रहा है, 2 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है इस तरीके से। तो आप प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बता रहा कि कितना प्रॉफिट दे रहा है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं अपना इस स्ट्रैटेजी पे, एंड मैंने इस स्ट्रैटेजी पे काफी हाइप देखे जब भी आपको बता रहा हूं। तो ऐसे करके मैंने अब लास्ट 2-3 स्टॉक और चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको इस पे काम करने का तरीका बता दूंगा। तो यहां देखते हैं ये लो है टीसीएस में, ये हाई है, इनने अपने हाई को ब्रेकआउट करा यहां पर, आई थिंक यहां पर करा है, और अभी भी ये अपने हाई के पास चल रहा है, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट। आ जाते हैं विप्रो में, विप्रो के अंदर आज का इसका हाई ये था, 15 मिनट में लो ये था, सबसे पहले सेकंड कैंडल में इन्होंने लो को ब्रेकआउट करा, देन काफी नीचे गया, उसके बाद वापस अपने जहां से ब्रेकआउट करा था वापस ही आ गया, मतलब आपको अभी नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रहे हो, तो काफी अच्छा वर्क कर रही है। लाइव मार्केट में मैं उसके देख रहा हूं, अगर यहां देखे तो यहां पर भी ये हाई था ये लो था, इनने हाई को ब्रेकआउट करा एंड ऊपर। तो अब क्या देखो, मैंने काफी दिखा दिया, आई थिंक मैंने आपको 15 स्टॉक दिखा दिया, मेरे पास 50 स्टॉक है निफ्टी 50 के, सबको दिखाऊंगा, वीडियो हो जाएगी काफी लंबी, 18 मिनट हो गए, तो आई थिंक आप भी अब बोर हो गए होगे यार ये क्या दिखा रहा है। अब मैं इसमें ऑटोमेशन दिखा देता हूं, ऑटोमेशन कैसे करी जाती है। तो जैसे कि आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है और आप चाहते हो कि जिसके अंदर भी ब्रेकआउट हो, आपने सब पे लगा दिया है, तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड डल जाए, तो आपको करना क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूं। अब हमें एक स्टॉक देखना पड़ेगा जिसपे मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकूं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं फटाफट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं अभी के लिए, चलो 15 मिनट में देखता हूं कि 15 मिनट में कहीं ब्रेकआउट हो रहा हूं। हाँ ये देखिए, ये अभी क्या है कि इधर ये टच हो रही है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ही कैंडल इस पर टच होगी तो ऑटोमेटिक हमारा ऑर्डर लग जाएगा, वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, ठीक है जी। तो ओनली फॉर वंस लगाना है, एक बार ऑर्डर लग जाए उसके बाद ना लगे, तो मैं इसी पे दिखा देता हूं। इस स्टॉक का नाम क्या है, इस स्टॉक का नाम है NTPC। तो हमें क्या करना है, मेरे एक्सटेंशन को खोलना है, हेल्प में जाना है, तो मैं मार्केट ऑर्डर नहीं लेके आता, मैं लिमिट ऑर्डर लेके आ जाता हूं। मैंने ये कोड कॉपी करा एंड बाय, ये सेल का कोड कॉपी कर ले रहा हूं मैं, आप चाहो तो कोई भी कोड कॉपी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आप कोड कॉपी करोगे वही वर्क करेगा। तो अब इधर चलते हैं, इधर गए, एक बार जिरोधा में देख दिखा देता हूं, कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हो पेंडिंग ऑर्डर कोई भी नहीं है। अब इस पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, एड अलर्ट पे, ये सॉरी वॉच के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एड अलर्ट पे क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे, ये हमारे पास टैब आ जाएगी। अब हमें अलर्ट्स लगाने हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमें ओनली फॉर वैल्यू में जाना है, ब्रेकआउट इंडिकेटर का नाम सेलेक्ट करना है, फिर साइड में जाना है, तो हमें पता है कि फर्स्ट डे हाई, फर्स्ट कैंडल हाई लिखा है एंड फर्स्ट कैंडल लो लिखा है, तो हमें फर्स्ट कैंडल लो सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी लो पे टच हो रहा है, एंड हमें यहां वो कोड डाल देना है जिससे ऑर्डर लग जाए, एंड इस स्टॉक का नाम डाल देना है, बाय डिफॉल्ट ये ACC है। अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने पहले वीडियो डाल दी है कमांड की, वो देख सकते हो। एंड ये मेरे 100 स्टॉक के ऑर्डर लग जाए, मतलब अभी चाहता तो डायरेक्ट बाय भी हो जाएंगे, पर मैं बाय का नहीं लगा रहा, एंड मार्केट रेट से 2 रुपए ऊपर लगे, अभी के लिए मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूं एंड क्रिएट करा। जैसे मैं क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये टच हो रही है लाइन, वैसे ही ऑर्डर आ जाएगा आई थिंक, तो देखते हैं कि ऑर्डर आता है नहीं आता, थोड़ा सा नहीं आया अभी, ये ढंग से टच नहीं हुई इसका, मतलब हम देख लेते हैं इधर। तो मेरे को जो अभी दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसका वो देखूं एक बार, एक मिनट, तो ये जो हमने कमांड बनाई है, कमांड तो बिल्कुल सही बनाई है, बट ये अभी इस बिंदु पे टच नहीं हो रही जो इसका लाइन लो था। तो एक बार मैं फिर से एक बार इसका हाई लो देख लेता हूं, इसका जो हाई मारा है, इधर आप हाई देख सकते हो इधर, तो इसका जो हाई है वो है 122 रुपए 20 पैसे, ठीक है जी। तो मतलब अभी ऊपर की साइड नहीं है और काफी नीचे चल रही है, एक बार टच हो जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा, जब तक हम दूसरे पे लगा के देख लेते हैं। ये मैंने अलर्ट लगाना दिखाया आपको, तो ये मैंने लो साइड से लगाया, जैसे ऐसे आप कई जगह लगा दोगे, जैसे ब्रेकआउट होगा ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर लग जाएगा। आप और कहीं देख लेता हूं, तो इसके अंदर भी देखो लो पे टच हो रहा है, पर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही है, तो फिर मैं इस पे भी लगा देता हूं एक ऑर्डर। तो मेरे को क्या करना है, इस वॉच के आइकन पे क्लिक करना, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है,
वैल्यू में जाना, ब्रेकआउट लेना है एंड यहाँ जाना है लो पे लेना है एंड यहाँ पर वो कोड डाल देना है। तो कोड मैं यहाँ से कॉपी करके लाया, कॉपी एंड यहाँ पर मैंने वो कोड डाल दिया कंट्रोल वी। मेरे को पता है ये चीजें आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि चीजें क्या हो रही है जो नए यूजर हैं। तो अगर आपको कुछ समझना है तो टीम वीवर या एनी डेस्क पे आ जाना, मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूंगा और लाइव करके दिखा दूंगा आप ही के पीसी पे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं अभी गेल डाल देता हूँ ACC के बदले, ये हमारा सेंटेक्स है, जो भी हम सेंटेक्स डालते हैं यहाँ वो चीज वहां पर वर्क होती है। एंड स्टॉक में हम डाल देते हैं 100 दोबारा से, आई थिंक ये सस्ता ही है ना क्योंकि मेरे पास बैलेंस कम है। एंड मार्केट रेट से 2 रुपये ऊपर का प्राइस डाल देते हैं एंड क्रिएट कर दिया। तो जो भी अलर्ट्स आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, अभी नो अलर्ट्स अभी आ ही गया क्योंकि ये टच हो रहा था इसलिए आ गया। एंड अगर हम जाएंगे तो देखोगे तो यहाँ ऑर्डर भी लग गया, आप देखोगे गेल का ऑर्डर लग गया। तो आई थिंक आपको लग रहा होगा यार ये तो अभी कैसे लग गया, मतलब मैं इसे लगा के रख देता ना और जैसे ही टच होता तो जब भी लग जाता, पर अभी क्या है कि मेरे को ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिल रहा जिसमें बाद में टच हो। ये देखिए आप यहाँ पर टच हो रहा था, मैं एक बार इसे रिमूव करूं तो यहाँ पर देखिए लाल जो डॉट है हमारा आज का लो, जो 15 मिनट का लो है उस पर टच हो रहा था जब भी ऑर्डर लग गया। एंड लगने के बाद आप देखोगे इधर ऑरेंज कलर की लाइट आ गई, इट्स मीन जो ऑर्डर लगा वो एक बार लगा, अब लगेगा नहीं, अब दोबारा नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसे ओनली वंस कर रखा था। अगर इसे हम पूरे दिन चलाना चाहते तो जितनी बार टच होगा उतनी बार 100-100 क्वांटिटी के ऑर्डर लगेंगे, तो मैंने तो ओनली वंस करा था इसलिए एक बार लग गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ऐसे में इधर अगर 50 स्टॉक ऐड कर दूंगा तो मेरे को दो दो कमांड लगानी पड़ेगी, पहली एक बाय की इधर, सॉरी इधर एक बाय की एंड सेल की। तो जो चीज पहले ट्रिगर होगी वो चीज मेरी ऑटोमेटिक लग जाएगी, एंड ऑटोमेटिक लग जाएगी तो उसके बाद आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस डालना चाहते हो तो वो भी अलग भी से डाल सकते हो, काफी वीडियो मैंने बना रखी है एंड आप मुझसे भी पूछ सकते हो मैं बता दूंगा। तो मैंने ऑर्डर लगा के तो आपको दिखा दिया है, फिर भी एक ऑर्डर और देख लेते हैं कहीं और मिले आसपास। तो जैसे कि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, हाँ ये भी टच हो रहा है, ये देखिए एक चीज मिली है मेरे को पर पता नहीं है टच होगा नहीं होगा, ये ICO है। एंड ये देखिए अगर मैं जूम करके दिखाता हूं तो ये जो आज का हाई था उसके पास ही चल रहा है। तो अगर ये टच हो जाता है नीचे के साइड, नहीं काफी ऊपर है क्योंकि ये 42 है एंड पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी मैं लगा देता हूँ ऑर्डर आपके सामने। तो इस पे कैसे लगाना है, मैं इस पे वॉच के आइकन पे गए, इधर गए एंड वैल्यू में गए, ब्रेकआउट लिया। एंड आप चाहते हो डेली हाई एंड लो पे लगाना, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम फर्स्ट कैंडल के हाई को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड यहाँ फिर से हम कोड डालेंगे, जो कोड डालेंगे वही वर्क करेगा, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, कैंसल ऑर्डर, मल्टी ऑर्डर, जो भी, ये सारे कोड दे रखे, जो कोड डालोगे वही वर्क करेगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, बाय का कोड ले लेते हैं यहाँ के लिए, वैसे चलो सेल का ही ले लेते हैं, बाय का क्या लेना, मतलब जो कोड डालेंगे वही वर्क करेगा। तो मैं वही सेल का डाल देता हूँ, वैसे जो कमांड है वो बाय की है जो हम बना रहे हैं, पर ऑर्डर हम जो डाल रहे हैं वही वर्क करेगा। तो हमने क्या करा, ACC के बदले ये कर दिया, यहाँ पर भी हमने एक ही स्टॉक रहने देते हैं क्योंकि हमारा बैलेंस कम हो गया होगा एंड मार्केट रेट से 2 रुपये ऊपर एंड क्रेट। तो जैसे अब इस पे टच होगा यहाँ पर एक अलर्ट्स आ जाएगा, तो अभी तो जैसे आप देख सकते हो टच नहीं हो रहा तो अलर्ट्स नहीं आएगा एंड नहीं ऑर्डर लगेंगे, तो हम दूसरे पे चलते हैं जब तक कोई अलर्ट्स नहीं आता। एक ही अलर्ट्स आया था आप देख सकते हो गेल में, और गेल में हमारा पहले से ऑर्डर लग चुका है, ठीक है जी। एंड इसे अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ, आपको आज कैंसिल भी करके दिखा देता हूँ ऑर्डर। कैंसिल ऑर्डर के लिए सपोज मानिए कि मैं चाहता हूँ कुछ भी मतलब बना सकता हूँ, तो अभी के लिए क्या करता हूँ मैं कैंसिल ऑर्डर के लिए बाय का ऑर्डर, सेल का ऑर्डर है, मैंने ये चीज उठा ली कैंसिल ऑर्डर एंड मैं इधर गया एंड मैं ये हॉरिजेंटल लाइन से कैंसिल करवा देता हूँ। तो सपोज मानिए मैंने यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन डाल रखी है, कहाँ गया गेल का ऑर्डर, ये रहा गेल पे चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई दोबारा यहाँ पर ये टच हो तो मेरा ऑर्डर जो लगा हुआ था तो कैंसिल हो जाए, तो मैंने ये आपके सामने कोड डाल रहा हूँ, देखिए कैसे ऑर्डर कैंसिल हो गया, मैंने डाल दिया एंड मैंने ये क्रिएट कर दिया। तो इधर अलर्ट्स बन गया, देखिए मैं जानबूझ के अगर मैं इसे यहीं रहने दूंगा जैसे कैंडल टच होगी ऑटोमेटिक वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, पर मैं चाहता उसके लिए फिर मेरे को बैठना पड़ेगा इसलिए मैं जानबूझ के टच करा देता हूँ, कैंडल पे ले गया। जैसे कैंडल पे ले गया आप देखिए थोड़ा सा अलर्ट्स आएगा, आपको बीप की आवाज सुनाई दी जाएगी, तो आई बीप की आवाज और ये देखिए ऑर्डर ये कैंसिल ऑटोमेटिक आपके सामने ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमने वो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, जो कोड डालोगे वही वर्क होगा, जैसे स्ट्रैटेजी पे डालोगे वही वर्क होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने एक ऑर्डर लगा के दिखा दिया है एंड आप ऐसे जितने भी स्टॉक 15 मिनट की स्ट्रैटेजी में डालते हो उन सब पे ही वर्क करेगा। और ऐसा नहीं है ये 15 मिनट में, आप चाहो तो जैसे कि अभी 15 मिनट की कैंडल है आप चाहो तो 5 मिनट में भी कर सकते हो, 5 करोगे तो 5 स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल को 5 को कैलकुलेट करेगा, तो ये आप देख सकते हो। तो आप ये बैक टेस्टिंग कर लेना किस में वर्क कर रहा है। अच्छा एक सिग्नल हो रहा है यहाँ देखिए ICO का आया,
तो हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए अभी हमने सिग्नल डाला था इसके उस पे हाई पे, आप देख सकते हो, और हम गए वहां पर, तो ये देखिए आईसीयू का ऑर्डर भी लग चुका है, एक क्वांटिटी का डाला था, तो बातों करते करते एक लाइव ऑर्डर लग गया। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो तो होगी काफी लंबी, पर मैं बता रहा हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छा पैसा कमा के दे सकती है, एक बार इनकी वीडियो को देख लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी वीडियो नहीं है, मैं इनकी वीडियो को देखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा तो मुझे लगा यार सही में रियलिटी में बैक टेस्टिंग करी पैसा बन रहा है। इस बंदे ने जो बात कह रखी है कि 15 मिनट की ब्रेकआउट स्ट्रेटजी रियलिटी में वर्क कर रही है, पर काफी नेगेटिव कमेंट भी देखे मैंने कि काफी लोग कह रहे हैं भाई ये ऐसे वर्क नहीं करती, रियल मार्केट में वर्क नहीं करती, तो अभी तो रियल ही मार्केट है यार, इसमें रियल और अनरियल क्या है। हाँ पर ये चीज जरूर मैं मान सकता हूं कि ये चीज जब वर्क नहीं करती जब आप मैनुअल काम कर रहे हो, क्यों, क्योंकि जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो आप एक ही स्टॉक पे तो बैठे रहोगे, और सपोज मानो उस पे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ तो आपका पूरा दिन खराब हो गया। तो बोर्ड के साथ अगर ये स्ट्रैटेजी लगा देते हो, 10 स्टॉक में लगा दी और आप आराम से कुर्सी पे बैठे हो, जैसे ब्रेकआउट होगा ऑटोमेटिक ट्रेड लग जाएगी, तो ये चीज ऑटोमेशन के साथ तो 100% वर्क करेगी मुझे ऐसा लगता है, मतलब ट्रेड के लिए 100% करेगी, प्रॉफिट के लिए कोई गारंटी नहीं है कि देगी नहीं देगी, वो आप अपने स्टॉक पे देख लेना, हो सकता है किसी स्टॉक पे अच्छा वर्क करती हो किसी पे नहीं करती हो, बट ये चीज मैं क्लियर कर सकता हूं अगर ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेशन के साथ, जैसे मैंने अभी ऑटोमेशन के साथ चलाई, अगर इस तरीके से चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और हो सकता है कि पैसा बना के दें। तो प्लीज इनकी वीडियो को देख लेना, 3 वीडियो के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों को देख लेना, उसके बाद आपको इंडिकेटर की एक्सेस चाहिए तो व्हाट्सएप पे मेरे को अपना फिर से एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, यूजर नेम ट्रेडिंग व्यू का आप भेज देना, ये यहां पर हमारा ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम होता है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जैसे मेरा मनोज वर्मा है, बीच में एक माइनस का ऑब्लिक सा लगा हुआ है, तो ये मेरा यूजर नेम है, ऐसे आपका भी यूजर नेम होगा, आप मुझे उसे भेज देना, मैं उस पर एक्सेस दे दूंगा, एंड आप बैक टेस्टिंग कर लेना पहले, और ये जरूरी नहीं है कि आप बैक टेस्टिंग क्या कहते हैं बोट लेने के बाद ही करो, बोट लेने से पहले बैक टेस्टिंग कर लेना, देन बोट का जैसे आपको पता होगा, एक बार बोट के बारे में भी थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, जो हमारे बोट का प्राइस है ₹500 मंथली है, एंड आपको नेक्स्ट जरोधा से API लेनी होती है जो कि ₹2000 में आपको प्रोवाइड करी जाती है, एंड आप उसके बाद ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का आप ट्रायल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है पैड यूज करना, पर अगर आप पैड यूज करना चाहते हो तो पैड भी यूज कर सकते हो, मतलब कंपलसरी है ट्रायल यूज करना या पैड यूज करना ट्रेडिंग व्यू का, एंड फ्री अकाउंट में आप एक से ज्यादा स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर सकते, मतलब एक से ज्यादा कमांड पे काम नहीं कर सकते। तो बोट को एक्टिवेट करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, ट्रेडिंग व्यू एंड जरोधा की API एंड हमारा जो बोट है ये रहा, ऐसे डाउनलोड करके ₹500 आपको पेमेंट करनी होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, फिर भी मैं कह रहा हूं वीडियो में सजेस्ट कर देना, आपको लगता है कि इसमें और भी चीजें फिल्टर करी जा सकती है तो मैं उसे ऑटोमेशन में क्रिएट कर दूंगा अगर पॉसिबल होगा, और आपके लिए वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन सकती है, एंड आप भी देखना कि हाँ उसके अंदर क्या क्या चीजें फिल्टर आउट कर सकते हो आप। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड बाय।